अस्सलाम वालेकुम भाई सदर इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, आपने कहा हम गरीबों को गरीबी मिटाएंगे, आपने सही कहा गरीबी मिटाएंगे, लेकिन बात समझ ये नहीं आती आप गरीबों को मिटाएंगे या गरीबी को मिटाएंगे, हमारी ये बात समझ नहीं आती। आपने महंगाई पे महंगाई, पेट्रोल महंगा किया वो समझ आती है, अभी पेट्रोल महंगा हो गया। आपने डीजल महंगा किया वो हमें समझ आती है जो डीजल महंगा किया। आपने घी महंगा कर दिया और चीनी भी महंगी कर दी और खाने पीने का सामान भी महंगा कर दिया। आपने कहा गरीब कोई नहीं रहेगा, अब वो नौबत आ चुकी है गरीब दिन ब दिन तकलीफ़ों में है, मरता जा रहा है। आपको सदर किसने बना दिया, अगर वजीर आलम है या सदर है जो भी है, आपको किसने बना दिया? अगर आप बनना नहीं चाहते थे तो आवाम को तंग और जलील किया। आप अपने ऊपर तुम पे डिपेंड करते हैं कि आप महंगाई को ख़त्म करेंगे, गरीबी को ख़त्म करेंगे, आप क्या करेंगे? गरीबों को ख़त्म, गरीबी भूख ये ख़त्म करेंगे या गरीब आवाम को ख़त्म करेंगे, ये हमें समझ नहीं आती। दिन ब दिन महंगाई, जो मजदूर 300-500 कमाता है वो आगे घर का खर्चा कैसे चलाए? 300 का घी आता है और चीनी देख ले कितनी महंगी है, और राशन वो अपना कर नहीं सकता। आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि बहुत आपकी मेहरबानी होगी अगर किसी की बात समझोगे या गरीबी को कंट्रोल करोगे तो आगे आने वाले साल आपके होंगे। अगर ये गरीबी, ये भूख, ये चीनी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका अगला आने वाला जो है चांस क्या हमें